नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शनिवार रविवार को यात्रियों की संख्या 9 के बराबर। सिटी के लिए 5000 इंजेक्शन, मुंबई की तर्ज पर बनाए कोविड सेंटर। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। शनिवार रविवार को यात्रियों की संख्या 9 के बराबर। शनिवार और रविवार को सिटी में टोटल लॉकडाउन की वजह से एसटी बस स्टैंड पर यात्रियों की संख्या काफी घट गई। शनिवार को एसटी बस स्टैंड से सिर्फ 335 फेरियां ही चली। इतनी बसों की फेरियां आम दिनों में केवल भंडारा और गोंदिया के रूट पर ही चलती है, लेकिन शनिवार को भंडारा और गोंदिया से भी बसें नागपुर नहीं पहुंची। इन रूटों पर केवल बसों की 40 फेरियां ही चली। आम दिनों में एसटी बस स्टैंड से 1100 से ज्यादा फेरियां चलती है, लेकिन अब लॉकडाउन के कारण यह 150 तक पहुँच गया है। इसके अलावा यात्रियों की संख्या कम होने से बसों का संचालन भी काफी हो गया है। आधे से ज्यादा बसें प्लेटफॉर्म पर ही खड़ी रही। अन्य जिलों में लॉकडाउन की वजह से बसों को नहीं भेजा गया। तो वही दूसरी ओर सिटी के लिए 5000 इंजेक्शन। सिटी में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी गंभीर समस्या बनी हुई है। कोविड मरीजों की बढ़ती समस्या को देखते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सन फार्मा कंपनी से इंजेक्शन के 10,000 डोज उपलब्ध करा दिए है। इस संबंध में गडकरी ने अब कंपनी के मालिक दिलीप सांगवी से फोन पर चर्चा की और जल्द इंजेक्शन उपलब्ध कराने को कहा। सांगवी ने गडकरी के कहने पर शनिवार को 5000 इंजेक्शन सिटी के लिए उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। शेष 5000 का डोज 2 से 3 दिनों के भीतर उपलब्ध कराए जाएंगे। गडकरी ने नागरिकों से कोरोना पर नियंत्रण के लिए सहयोग करने का आह्वान किया है। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने, बार बार हाथ धोने और बिना वजह बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। तो वही तीसरी और मुंबई की तर्ज पर बनाए कोविड सेंटर। भाजपा विधायक कृष्णा खोपड़े ने सिटी के दिनों दिन बिगड़ते हालात के चलते तत्काल मुंबई के तर्ज पर भव्य कोविड सेंटर बनाने की जरूरत बताई है। उन्होंने कहा है कि गरीबों को अस्पताल में जगह नहीं मिल रही है और कोविड सेंटर की जरूरत है। उन्होंने रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत दूर करने और उसकी ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए प्रशासन को कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने पुलिस नियंत्रण कक्ष की तर्ज पर प्रभावी कॉल सेंटर तैयार करने की मांग भी की है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड गठित किया जाना चाहिए, जो भीड़ वाली जगहों पर कार्रवाई करे। अस्पतालों में हो रही लूट की जाँच की जाए। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एमएनएस न्यूज लाइव पर। नमस्कार।